हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। अब देखिए, आज हम करने जा रहे हैं अपने एनिमल किंगडम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कशन। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर हम एम्फीबियंस के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको ये बताया था कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर, दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स दिखेंगे आपको इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो हमने बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में बात कर ली थी। अब देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिकली आज के क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ योर एम्फीबियंस। देखिए, अब अगर आप अपने हैंड रिटन कॉपी के ऊपर ध्यान देंगे तो एम्फीबियंस के अंदर आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब क्या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम विच हेल्प्स इन इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो अलग अलग सर्कुलेटरी फ्लूइड्स होते हैं, मीडियम्स होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, एम्फीबियंस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट इज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या बताया था? कि दे कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, इनके पास ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं आपके फ्लूइड्स को, स्पेसिफिकली योर ब्लड एंड योर लिम्फ। ठीक है, आई होप ब्लड एंड लिम्फ सारा कुछ क्लियर है आपको, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में कर रखा है। और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होता है आपके बॉडी फ्लूइड्स के बीच में, मतलब ब्लड और लिम्फ, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन होता है। तो एम्फीबियंस कंसिस्ट ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और इनके पास जो हार्ट होता है, हार्ट जो होता है दैट इज़ थ्री चेम्बर्ड। थ्री चेम्बर्ड मतलब दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। टू ऑरिकल्स मतलब लेफ्ट ऑरिकल एंड योर राइट ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल का अभी भी डिवीजन नहीं हुआ है इनके अंदर। इनके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब कि दो डायरेक्शन से हार्ट के अंदर ब्लड आएगा, वो ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है, डीऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है। तो दो डायरेक्शन से अगर हार्ट के अंदर ब्लड आएगा तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे? इस टाइप के सर्कुलेशन को हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन। अब देखिए, डायग्राम के ऊपर ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। मैंने आपको बताया था, देखिए, दो ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। हार्ट का जो सेंटर में हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक छोटा सा हिस्सा बनाया है, देखिए, एक है आपका ऊपर वाला राइट ऑरिकल, दूसरा है लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे बॉटम वाले एरिया में आपको एक वेंट्रिकल दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम समझें तो लंग्स के पास से जो ब्लड बाहर आएगा, ठीक है, कैसा ब्लड होगा? लंग्स से मतलब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो वो ऑक्सीजन रिच होता है, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है? डिफ्यूज़ कर जाता है आपके ब्लड में वहाँ पे, और वो ब्लड जो है वो चेंज हो जाता है किस टाइप के ब्लड में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो लंग्स के पास से जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है बाहर, वो सबसे पहले एंटर कहाँ करेगा? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से आएगा ये आपके वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? देखिए, वेंट्रिकल्स के नीचे से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप कर देगा। वेंट्रिकल का काम ही क्या है? पंपिंग चेंबर होता है, वो पंप करता है ब्लड को आगे की तरफ। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आया, वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा कहाँ? आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, अलग अलग शरीर के हिस्सों तक, ताकि वो उस ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन का यूज़ कर सके। किस चीज़ के लिए? सेल्युलर ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, जिससे कि एटीपी का रिलीज़ होगा। अब देखिए, इस ब्लड से जैसे ही इन बॉडी पार्ट्स के पास जाके ऑक्सीजन का यूज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा अब कम हो जाएगी उस ब्लड में, तो ये ब्लड अब किस टाइप के ब्लड में चेंज हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, तो देखिए, अब बॉडी के पास से जो ब्लड बाहर आ रहा है वो कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा? राइट ऑरिकल में। ठीक है, तो राइट ऑरिकल में गया, फिर ये जाएगा कहाँ? और राइट ऑरिकल से जस्ट नीचे क्या है? वेंट्रिकल। और अब वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा, ताकि दोबारा से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो पाए और ये साइकिल कंटिन्यू रहे। ठीक है, ये एक साइकिल है। ठीक है, तो ये बार बार चलता रहेगा, इस साइकिल को स्टॉप नहीं करना। ये साइकिल कब स्टॉप होगा? जब एक इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस साइकिल इज क्लियर टू यू। लेकिन इस साइकिल का एक डीमेरिट है,
देखिए, वेंट्रिकल्स के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, दोनों ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, वेंट्रिकल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। तो प्योर और इम्प्योर ब्लड अगर मिलेगा, ठीक है, तो ब्लड की एफिशिएंसी जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। ये एक आपके लिए माइनस पॉइंट है। अब देखिए, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। हमने क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन यहाँ क्यों ले लिया? क्रोकोडाइल के लिए अभी भी बात चल रही है, उसे लिया जाता है रेप्टाइल में, लेकिन उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एम्फीबियन से भी मैच करती हैं। कैसे है वो रेप्टाइल? क्यों? क्योंकि वो अपने एग्स जो है वो ले करता है लैंड के ऊपर, ठीक है। लेकिन उसमें एक एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर भी है, वो लैंड में भी रहता है और वो वाटर में भी रहता है, ठीक है। इसीलिए आप एक्सेप्शन हम यहाँ पे भी मेंशन कर रहे हैं, एक्सेप्शन रेप्टाइल, ये एक रेप्टाइल है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ये एम्फीबियंस की भी शो करता है, ये लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो क्रोकोडाइल हैज़ फोर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो जो क्रोकोडाइल होता है, जो कुछ एम्फीबियन लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है, उसके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है। उसके पास कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला हैंड रिटन कॉपी अगर होपफुली आप सभी को क्लियर है, ठीक है, तो नेक्स्ट हैंड रिटन कॉपी में हम यहाँ पे ख़त्म हुआ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब देखिए, लास्ट हैंड रिटन कॉपी के अंदर हमने बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम की, नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ योर एम्फीबियंस। अब देखिए, आपके हैंड रिटन कॉपी के ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है ऑफ अ फ्रॉग। मैंने आपको कॉमन एग्जाम्पल्स में भी बताया था कि फ्रॉग इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ योर एम्फीबियंस। हम इसके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे, बट स्टिल पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट जो है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। समझिए, एलिमेंट्री कनाल का एंडिंग, यूरिनरी ब्लैडर का एंडिंग, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एंडिंग, ठीक है, वो एक कॉमन ओपनिंग या कॉमन चेंबर में जाके ये तीनों ओपनिंग्स खुलती हैं, ठीक है। उस चेंबर का नाम क्या है? उस चेंबर का नाम है क्लोका, ठीक है। क्लोका का काम क्या होता है? सारी चीज़ों को ओपन अप करना टुवर्ड्स योर एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की तरफ ओपनिंग करना ही काम होता है किसका? क्लोका का, ठीक है। तो आपका एलिमेंट्री कनाल जो कि डाइजेशन के लिए जुड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जो एक्सक्रीशन के लिए जुड़ा है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो कि हेल्प करता है आपके गैमेट्स और इन सब के प्रोडक्शन में, ठीक है। ये सारा कुछ जो भी बनाते हैं वो जाके एंड कहाँ होता है? एक चेंबर के अंदर, जिस चेंबर को हम कहते हैं क्लोका। क्लोका का काम क्या होता है? इन सारी चीज़ों को एक्सटीरियर वर्ल्ड तक, बाहरी दुनिया तक ले जाना, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इस डायग्राम को देखें, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इस फ्रॉग को लें, तो फ्रॉग की जो बॉडी होती है ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है आपका हेड वाला एरिया, दूसरा होता है आपका ट्रंक वाला एरिया, ठीक है। दो ही मेन पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। आपको आगे की तरफ एक ओपनिंग दिख रही होगी, दैट इज़ नोन एज योर माउथ। आई दिख रहा है, और आई के नीचे एक पैच बड़ा सा आपको दिख रहा है जो कि है आपका टिम्पैनम। टिम्पैनम का काम क्या होता है? बाकी सारे टर्म्स तो आपको थोड़े से कनेक्टेड लग रहे होंगे, आई आपको समझ आ रहा होगा, हेड भी, ट्रंक भी। टिम्पैनम का काम ये होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर ईयर की तरह काम करता है। ईयर की तरह मतलब कानों की तरह काम करता है, सुनने में काम मदद करता है, ठीक है। तो देखिए, अगला जो आपका पार्ट है सेंसरी ऑर्गन्स। आई होप दिस डायग्राम और द लेबलिंग्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट, सेंसरी ऑर्गन्स, आईज हैव आईलिड्स। इनकी जो आंखें होती हैं, आईलिड्स होते हैं उसके ऊपर। आईलिड्स का काम क्या होता है? आप अपने आप पे भी खुद समझ के देखिए कि कोई भी गंदगी आ रही हो या कोई भी ऐसा सामने से चोट लगने वाली चीज़ आ रही हो, आप क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके पास भी आईलिड्स होते हैं जो कि किसी डेंजर को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं, आईज़ को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, इसीलिए ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अगला, अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर,
ये जो टिम्पैनम था आपके आई के जस्ट नीचे वाले एरिया में दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये ईयर की तरह काम करता है, इसलिए हमने क्या लिखा है, रिप्रेजेंट्स द ईयर, ठीक है। आई होप दिस सेक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, इसका भी वही मतलब कि मेल ऑर्गन्स अगर एक में होंगे तो फीमेल वाले सेम में नहीं हो सकते, ठीक है। एक में मेल होगा तो दूसरे में फीमेल होगा, और दूसरे वाले में अगर फीमेल है तो पहले वाले में ही मेल होगा, मिक्स नहीं होते इनके ऑर्गन्स, ठीक है। मेल पार्ट्स अलग फ्रॉग में, फीमेल पार्ट्स अलग फ्रॉग में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसलिए याद करिए क्लोका क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से जो गैमेट्स बनेंगे उसे बाहर निकालने में एक्सटीरियर वर्ल्ड में मदद करेगा, और वहीं पे इनका फ्यूजन होगा, इनका फ्यूजन होगा वहाँ पे, तो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड में होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा, तो इस टाइप के फ्यूजन को, फर्टिलाइजेशन को ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे, ठीक है। अब अगला है ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब ये अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स, अंडे देकर ये अपने जन्म देते हैं अपने यंग वंस को, ठीक है। अगला जो आपका इसमें लास्ट पॉइंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जन्म होने के बाद से मैच्योरिटी अटेन करने के बीच में कहीं भी कोई लार्वल स्टेज नहीं आएगा। इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि लार्वल स्टेजेस आएंगे, तो बेसिकली एम्फीबियंस के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आपके एम्फीबियंस के कंप्लीशन के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट हैंड रिटन कॉपी से विथ योर रेप्टाइल्स। अब ध्यान दीजिए आपके हैंड रिटन कॉपी पे रेप्टाइल्स, ठीक है। आपके लिए अगर सबसे कॉमन एग्जांपल बताऊं तो जो होम लिजर्ड होता है, छिपकली जो होती है, ठीक है, वो सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका रेप्टाइल्स का, ठीक है। तो कोबराज जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, टर्टल्स जो होते हैं रेप्टाइल्स के ही अंदर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो गार्डन लिजर्ड होता है आपका, वो भी इसी के अंदर आता है। आपका क्रोकोडाइल भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन क्रोकोडाइल जो है वो डुअल प्रॉपर्टीज शो करता है, एम्फीबियंस की तरह भी एक्ट करता है और रेप्टाइल्स की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स दे मोस्टली लिव ऑन लैंड। मोस्टली टर्म क्यों आया, देखिए जैसे कि टर्टल्स, टर्टल्स आपको सी बीच पे भी मिलेंगे चलते हुए, पानी के अंदर भी दिख जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मोस्टली लिव ऑन लैंड, ज़्यादातर जो होते हैं वो ज़मीन पर ही रहते हैं, इसलिए मोस्टली टर्म आया, ठीक है। इनके स्किन के अपर सरफेस पे सुपरफिशियली क्या प्रेजेंट होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा वही है, स्केल्स आर प्रेजेंट। जैसे कोबरा के बॉडी के अपर सरफेस पे स्केल्स देखे होंगे आपने, तो इसीलिए आपका जो सेकंड पॉइंट है, स्केल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। मैंने क्या कहा, मोस्टली जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें वो लैंड पे ही मिलते हैं, इसलिए रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी, लंग्स के थ्रू होगी, ठीक है। नेक्स्ट, टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट इफ एनी, इसका क्या मतलब है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स मतलब दो लिम्स, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ लिम्स इफ एनी मतलब कुछ में मिसिंग भी होता है, किस में मिसिंग होगा, कोबरा के अंदर मिसिंग होगा। सांप में कभी आपने लिम्स देखे हैं, नहीं, ठीक है। तो दो पेयर ऑफ लिम्स होंगे मतलब चार, ठीक है। लेकिन इफ एनी कुछ में मिसिंग भी होगा, किस में मिसिंग होगा, आपके जो ये कोबराज हैं एग्जाम्पल में, सांप में कभी देखा आपने लिम्स, नहीं, उनमें मिसिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ क्रॉलिंग। हिंदी वर्ड अगर हमें कॉमन ले, क्रॉलिंग मीन्स रेंगना, ठीक है। सांप को देखा होगा आपने, वो क्रॉल करते हैं जैसे कि छोटा बच्चा करता है, तो वैसे ही ये क्रॉल करते हैं। अगला, कोल्ड ब्लडेड इन नेचर, कॉमन कंडीशंस, इंटरनल बॉडी कंडीशंस ये मेंटेन नहीं कर सकते, मैकेनिज्म्स इनके पास प्रेजेंट नहीं है, तो इन ऑर्गेनिज्म्स को हम क्या कहेंगे, इन ऑर्गेनिज्म्स को फिर हम कहेंगे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिखा है, कोल्ड ब्लडेड इन नेचर। अगला, दे हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट,
इनके पास थ्री चेम्बर्ड हार्ट ही होता है, जैसे कि आपके इससे पहले हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें भी क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, आपके क्रोकोडाइल्स आ जाएंगे एज एक्सेप्शन। क्रोकोडाइल्स के पास कितने चेम्बर्ड हार्ट होते थे, इफ़ यू रिमेम्बर, जस्ट लास्ट के लास्ट हैंड रिटन कॉपीज़ में हमने बात की है। तो इनके पास क्या को मतलब आपके क्रोकोडाइल के पास कितने चेम्बर्ड हार्ट होते थे, फोर चेम्बर्ड हार्ट। तो दिस विल बी एन एक्सेप्शन, ठीक है। अगला जो है आपका पॉइंट, तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है दैट इज़ बाय लेइंग एग्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो ओवीपेरस, मतलब क्या, ये अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए एग्स ले करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ओवीपेरस, ठीक है। तो आपका जो इसके अंदर लास्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स आर, कॉमन एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं, दैट आर टर्टल्स, कछुआ, कमेलियन, कमेलियन आपका जो गार्डन लिजर्ड्स, जो बड़े वाले छिपकलियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद आया लिजर्ड, होम लिजर्ड, स्पेसिफिकली कमेलियंस भी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, छोटे से बहुत बड़े। तो जो बड़े वाले लिजर्ड्स होते हैं उनको हम कमेलियन कहते हैं, लिजर्ड एंड योर कोबरा, ठीक है, कोबरा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये भी हायर ऑर्गेनिजम्स है बट ऑब्वियस है यहाँ से, तो इनके अंदर भी किस टाइप का बॉडी डिफ्रेंसिएशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी डिफ्रेंसिएशन। तो हम नेक्स्ट कॉपी के अंदर बात करेंगे अबाउट द ऑर्गन सिस्टम ऑफ योर रेप्टाइल्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया यही अभी लास्ट हैंड रिटन कॉपी के टाइम में कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जस्ट बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स आर हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लास्ट फाइला में आते हैं ये, हमने क्लासिफाई किया था, आपके पास क्लासिफिकेशन की लिस्ट होगी, आई होप इट इज़ विथ यू। अब देखिए, जो ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनके पास भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मतलब क्या, दो ओपनिंग्स के साथ, एक इंजेशन के लिए और एक इजेशन के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और बीच में इसके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी प्रेजेंट है, माउथ भी है, माउथ था पहले भी, लेकिन इनके पास एडिशनली क्या प्रेजेंट है माउथ वाले एरिया में, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फूड पाइप, दैट इज़ योर ईसोफेगस। आफ्टर योर ईसोफेगस कम्स योर स्टमक, ठीक है, स्टमक वाला एरिया। नेक्स्ट इज़ योर इंटेस्टाइन, एंड द लास्ट एडिशनल थिंग, आखिरी जो एडिशनल थिंग है इसके अंदर, दैट इज़ योर क्लोका। क्लोका याद करिए, एक चेम्बर था जिसमें जाके आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और आपका यूरिनरी ब्लैडर ख़त्म होता था, ठीक है। इसका एकमात्र काम क्या होता था इस चेम्बर का, कि ये इन सारे सब्सटेंसेस को फाइनल ओपनिंग देता था टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इसमें आपको एक, देखिए, एक नई चीज़ दिख रही है डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, दैट इज़ योर क्लोका। क्लोका में मैंने आपको लिखवा दिया था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी यहीं एंड होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। अगला, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हम लेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है इनके अंदर दो तरीके से हो सकता है, पहला तो इनका जो स्किन है, हमारा भी स्किन जो है वो एक बेस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है। मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी करवाई थी आपके रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन स्किन भी जो है वो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह काम कर सकता है। तो इनके अंदर दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ योर स्किन एंड योर लंग्स। स्किन की भी मदद से होता है रेस्पिरेशन इनके अंदर, और लंग्स की मदद से भी होता है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट कम्स योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बहुत बार बताया आपको कि काम क्या होता है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है रेप्टाइल्स का, दैट इज़ ऑफ क्लोज टाइप।
क्लोज टाइप का दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। अगला है आपका थ्री चेम्बर्ड हार्ट। इनका जो हार्ट है इसमें थ्री मेन कंपार्टमेंट्स होंगे, एक होगा आपका लेफ्ट ऑरिकल, दूसरा होगा राइट ऑरिकल और एक होगा वेंट्रिकल। तो ये जो तीन चेम्बर्स वाला हार्ट होता है उसे हम थ्री चेम्बर्ड हार्ट कहते हैं। लास्ट है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम होता था? एक्सक्रीटिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके लिए जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नाम देंगे किडनी, ठीक है, किडनी होंगे। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हैंड रिटन कॉपी के अंदर अबाउट द सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। जो सेंसरी ऑर्गन्स होंगे आपके इन ऑर्गेनिजम्स के पास, उनकी बात करेंगे और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अब देखिए, इनके पास जो स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स का काम क्या था? एक्सटर्नल स्टिमुलाई को भांपना और हमारे मेन जो नर्वस सिस्टम के वाले पार्ट्स हैं उनके तक मैसेज पहुंचाना, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन्स में इनके पास आईज प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और उनके पास क्या प्रेजेंट होंगे? आईलिड्स। पिछले वाले से ही हमारे पास क्या आना शुरू हो गया था? एम्फीबियंस से ही आईलिड्स प्रेजेंट होने शुरू हो चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? इनके पास आईज होंगे फॉर विजुअल कैपेसिटी, देखने के लिए, और आईज के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? आईलिड्स। अगला है अ टिम्पैनम। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। वहाँ पे भी जो फंक्शन था सेम फंक्शन है यहाँ पे भी टिम्पैनम का, कि कान की तरह काम करता है ये ऑर्गेनिजम्स में, ईयर्स की तरह काम करता है, ठीक है। अगला है आपका रिप्रोडक्शन। सेपरेट सेक्सेस, फिर से वही बात हुई कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही पार्ट होगा, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, मिक्स्ड कुछ भी नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं सेपरेट सेक्सेस, ठीक है। अगला है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है आपके एम्फीबियंस से। वहाँ पे क्या हो रहा था? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ क्या हो रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर और विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स का बॉडी के अंदर ही फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और वहीं पे आपका जाइगोट बनता है बॉडी के अंदर ही, ठीक है। अगला है आपका ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब क्या था? दे रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस यंग वंस बाय लेइंग एग्स, अंडे देते हैं, ठीक है। अगला डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि ये जो जन्म होने के बाद से लेके मैच्योरिटी अटेन करने वाले फेज के बीच में कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वाले से हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ योर एव्स और योर बर्ड्स, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। अब देखिए, हम अगले लेवल पे चलते हैं। पहले हमने किया था एम्फीबियंस, उसके बाद हमने किया था रेप्टाइल्स, नेक्स्ट कम्स योर एव्स। नाम से लग रहा हो क्या है ये? एव्स जो हैं, इट इज़ द अदर नेम गिवन टू योर बर्ड्स। बर्ड्स को ही हम एव्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला ही पॉइंट वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एव्स को हम और दूसरा नाम क्या देते हैं? बर्ड्स, ठीक है, याद रहेगा अब आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट, इनके बॉडी सरफेस के ऊपर, याद करिए इससे पहले जो दोनों आए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, स्केल्स प्रेजेंट होते थे। इनके बॉडी के ऊपर जो स्केल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं और स्किन जो है वो ड्राई होती है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको हवा में उड़ना होता है। अगर आपके स्किन पे, इनके स्किन पे वाटर हुआ बहुत, स्केल्स के अंदर स्किन में अगर मॉइस्चर हुआ, तो बॉडी वेट क्या हो जाएगा? बहुत हेवी हो जाएगा। तो ये जो हैं उड़ नहीं पाएंगे हवा में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेट, ज़्यादा वेट मास होने की वजह से ये हवा में उड़ नहीं पाएंगे। बॉडी का जो मास है उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये जो है अडेप्टेशंस हैं बॉडी मास को, वेट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अगला, इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का जो ढांचा है, बॉडी की बनावट है, स्केलेटल सिस्टम है, वो बना होता है बोन्स का, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है? बोनी एंडोस्केलेटन। अगला,
अब ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी के अंदर किसी चिड़िया को रहते देखा नहीं, लैंड पे मिलेंगे आपको ये, ठीक है। तो इनका जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, लंग्स होगा, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। अगला, मूवमेंट, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करते हैं, लोकेशन चेंज कैसे करते हैं, इनके पास फेदर्स होते हैं, फेदर्स, छोटे छोटे फेदर्स तो आपको दिखते ही होंगे, चिड़ियाँ जो छोटी छोटी होती है तो आप क्लियरली आप आसपास ही देख सकते हैं। इनके जो फोर लिम्स होते हैं, ठीक है, वो जो फोर लिम्स होते हैं वही इनके फेदर्स में और विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या लिखा है, फेदर्स हुए छोटे छोटे फेदर्स हिस्से और मॉडिफाइड फोर लिम्स। मॉडिफाइड फोर लिम्स जो हैं, आपके जैसे हाथ होते हैं, इनके हाथ जो होते हैं वो पंखों में मॉडिफाई हो जाते हैं। क्यों हो जाता है ये सारा कुछ, फेदर्स भी जो हैं वो उड़ने में मदद करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा चिड़िया का एक फेदर आपके बालकनी में, खिड़की पे, कहीं भी गिर जाता है, ये फेदर्स जो हैं इसके ऑल अराउंड बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ये भी इसको उड़ने में मदद करते हैं। और मॉडिफाइड फोर लिम्स जो हैं वो पंख बनाते हैं, वो भी उसे उड़ने में मदद करते हैं। अब देखिए अगला जो मॉडिफिकेशन है, ये एक नया मॉडिफिकेशन दिखेगा आपको और जो हमने इससे पहले पढ़े थे। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, इससे पहले हमने पढ़ा था बस कोल्ड ब्लडेड, सारे कोल्ड ब्लडेड थे। यहाँ पे बात हो रही है वार्म ब्लडेड की। वार्म ब्लडेड का क्या मतलब है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि होम्योस्टेसिस, मतलब मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी कंडीशंस, इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करना कॉन्स्टेंट जो कर सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम कहेंगे वार्म ब्लडेड। तो ये जो पक्षी होते हैं ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि देखिए छिपकलियाँ आपको नहीं दिखेंगी अलग अलग सारे मौसमों में, ठंड में नहीं दिखती, क्यों, क्योंकि उनके पास मैकेनिज्म्स नहीं होते। लेकिन बर्ड्स जो हैं वो आपको हर एक सीज़न में दिखेंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं ये, ये कोई भी सीज़न हो ये रेगुलेट कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, तो इसीलिए आपको हर एक सीज़न में मिलेंगे, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट, इनके पास कितना चेम्बर्ड हार्ट होता है, फोर चेम्बर्ड हार्ट। मतलब अब यहाँ से क्या हो गया, इनके जो ऑरिकल्स हैं वो तो दो में डिवाइड हुए ही हुए, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, और इनके जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी दो में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगला, ये अब एक बात बताइए, चिड़िया को आपने अंडे देते देखा है या एक यंग वन को प्रोड्यूस करते देखा है, इट इज़ बट ऑब्वियस दे ले एग्स, ठीक है, अंडे देते हैं, इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन इज़ बाय लेइंग एग्स और दैट इज़ व्हाई दे आर नोन एज ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। हमने कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात की है यहाँ पे, ठीक है, वाइट स्टॉक, ऑस्ट्रिच, डक, पिजन, अगला है क्रो एंड नेक्स्ट वन इज़ योर स्पैरो, ठीक है। ये होपफुली ये सारे डायग्राम्स के साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं। इनके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, लेकिन हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या आ जाता है, हार्ट पहली बार चार चेम्बर्स में डिवाइड हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो के, नेक्स्ट हैंड रिटन कॉपी के अंदर हम बात करेंगे कि चारों चेम्बर्स में सर्कुलेशन स्पेसिफिकली कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट हैंड रिटन कॉपी के अंदर ही बताया था कि फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, हमने हार्ट के शेप का नहीं बनाया, हमने बस हार्ट को रिप्रेजेंट किया है, जो सेंट्रल बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको, ठीक है। तो इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसके पास, आपके एव्स के पास, ठीक है। तो आपके एव्स के पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज़ ऑफ क्लोज टाइप। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब मैंने बार बार कहा है, दो पॉइंट्स, प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या क्या होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है, ये तीन मेन ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, और अगला जो आपका था कि प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड सच एज ब्लड एंड लिम्फ एंड सेपरेशन, मतलब वो दोनों मिक्स नहीं होते, सेपरेट रहते हैं, ठीक है। अब देखिए डायग्राम के अंदर ध्यान दीजिए, फोर चेम्बर्ड हार्ट दिख रहा है आपको। अब देखिए ऊपर वाला जो सेक्शन है राइट ऑरिकल एंड योर लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे वाला सेक्शन जो है राइट वेंट्रिकल एंड योर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लंग्स वाले साइड से। डायग्राम का जो राइट हैंड साइड है वो देखिए, लंग्स है वहाँ से। अब जो ब्लड लंग्स के पास से आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, तो किस तरीके के ब्लड में वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो चेंज हो जाएगा। तो लंग्स उस ब्लड को भेजेगा राइट लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचते ही वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करना क्या है वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल का काम क्या है, पंप करना, ठीक है। तो वेंट्रिकल क्या करेगा, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। कहाँ पंप करेगा, अलग अलग शरीर के हिस्सों में, ठीक है, अलग अलग शरीर के हिस्सों में उसे पंप करेगा, ताकि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन का यूज़ हो सके इन सेल्युलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके कहाँ पहुँच गया, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब बॉडी पार्ट्स के पास ये जैसे ही पहुंचा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से क्या यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन यूज़ हो गया उस ब्लड के अंदर से, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस टाइप के ब्लड में चेंज हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, क्लियर है आपको। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा फिर, राइट ऑरिकल में, ठीक है। अब आपके बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल में, ठीक है। अब देखिए राइट ऑरिकल में पहुँचा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल से नेक्स्ट ये कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर से बात वही होती है कि वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है, वेंट्रिकल्स का काम होता है पंप करना। तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देंगे कहाँ पे, लंग्स के पास, ताकि दोबारा से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाए, ठीक है। फिर दोबारा से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होगा, फिर जाएगा अलग अलग बॉडी पार्ट से, हार्ट से होता हुआ, ठीक है। तो ये साइकिल जो है ये लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई टेंशन, दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। चलिए अब इस डायग्राम को एक बार दोबारा से देख लीजिए, कहीं पे भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्स हो रहा है, नहीं। आपके इससे पहले सारे ऑर्गेनिजम्स में जिनके पास भी थ्री चेम्बर्ड हार्ट था, सब में क्या हो रहा था कि वेंट्रिकल्स में जाके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो जा रहा था, मिक्सिंग हो जा रही थी, ठीक है, प्योर और इम्प्योर ब्लड का, ठीक है। तो जिससे कि ब्लड की एफिशिएंसी कम हो रही थी, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सब सारे कामों के लिए सारे चेम्बर्स अलग अलग हैं, तो कहीं पे भी मिक्सिंग नहीं हो रही। अब देखिए पढ़ते हैं पॉइंट्स को, फोर चेम्बर्ड हार्ट, फोर चेम्बर्ड हार्ट मतलब दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल्स, टू ऑरिकल्स दैट इज योर लेफ्ट ऑरिकल एंड योर राइट ऑरिकल, एंड टू वेंट्रिकल्स दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड योर राइट वेंट्रिकल, क्लियर है ये पॉइंट। अगला, इट प्रिवेंट्स, देखिए इतने सारे जो चेम्बर्स में बटा हार्ट, तो इसके वजह से क्या एक फ़ायदा हुआ, प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये जो मैं आपको बताया था मैंने डायग्राम देख के, कि ये जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हार्ट बटा है, इससे फ़ायदा यही होगा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अगला, डबल सर्क्यूलेशन, डबल सर्कुलेशन पे अगर ध्यान दीजिए डायग्राम में, देखिए हार्ट में एंट्री जो है ब्लड की दो तरफ से हो रही है, दो अलग अलग डायरेक्शन से हो रही है। मतलब क्या, दो डायरेक्शन से अगर ब्लड की एंट्री होगी हार्ट के अंदर, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या कहेंगे हम, इस टाइप के सर्कुलेशन को हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन। अब आपको क्लियर है डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड योर डबल सर्कुलेशन, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और अगला जो है, हाई रेट ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो। अब देखिए जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब वो प्योर ब्लड होता है, ठीक है, तो जो रफ्तार होती है उस ब्लड फ्लो की, वो बहुत तेज़ होती है। और वही जो वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, मतलब बेसिकली इम्प्योर ब्लड, मतलब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड की जो फ्लो की गति होती है कंपैरेटिवली कम होती है। इसीलिए लिखा है हमने जो लास्ट पॉइंट है आपका, हाई रेट ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो। क्या हुआ यहाँ पे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सही है, मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं हुई उसमें कहीं से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इसीलिए इन पक्षियों के बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फ्लो होगा बहुत तेज़ी से होगा। क्यों? क्योंकि वो प्योर ब्लड होगा, उसमें मिक्सिंग कहीं से भी नहीं हो रही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन इन एब्स। अब देखिए आपका जो लास्ट टॉपिक है एब्स के अंदर, दैट इज योर रिप्रोडक्शन इन एब्स।
ठीक है, तो इनके अंदर भी सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब हमने हजारों बार समझ लिया, बहुत बार ही समझ लिया, बट स्टिल क्या मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेट का, कि एक बॉडी, एक ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर एक ही पार्ट होगा, मतलब या तो फीमेल का होगा या तो मेल का होगा, ठीक है, तो सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट इज योर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन फिर वही बात हुई कि मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है, ठीक है, वो भी फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, ये दोनों जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज जो होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होते हैं। अगला, आपके जो बर्ड्स हैं दे ले एग्स, दैट इज़ बट ऑब्वियस एंड दैट इज़, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, वो एग्स अंडे देते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ओवीपेरस, ठीक है। और नेक्स्ट, इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है फ्रॉम टेकिंग बर्थ, जब से जन्म होता है और उसके बाद बड़े होने तक, मैच्योरिटी अटेन करने तक, ठीक है, इस बीच का जो समय होता है, इसके बीच में कोई भी लार्वल स्टेजेस आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है जन्म होने के बाद, डायरेक्ट मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, हम इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लेंगे आपके मैमल्स, ठीक है, जो कि आपका इसमें लास्ट डिविजन होगा, तो हम अभी बात करेंगे मैमल्स के बारे में। अब देखिए, आपका सबसे जो डेवलप्ड और एडवांस ऑर्गेनिज्म होता है हमारे एनिमल किंगडम के अंदर, दैट इज़ योर मैमल्स, जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो इसके साथ जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी, आपके लिए आसान होगा समझना, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप अपने आप के साथ कोरिलेट कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो जो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, जितने भी ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बींग्स, होमो सेपियंस सेपियंस, बेसिकली योर कैट, योर डॉग्स, योर रैट्स, मंकीज, वेल्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं। तो आपका पहला ही पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल है, ताकि आप इससे बेटर कोरिलेट कर सकें, इसे बेटर समझ सकें। तो देखिए, ह्यूमंस, एनिमल्स लाइक कैट्स, रैट्स, मंकीज एंड वेल्स, ये सारे किसके अंडर आते हैं, मैमल्स के अंडर आते हैं, ठीक है। अब क्या आप अपने बॉडी के अंदर ऊपर स्केल्स फील कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, इसलिए पहला पॉइंट भी वही है, एब्सेंस ऑफ स्केल्स, हमारे बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते। अगला, इंस्टेड ऑफ विच, स्केल्स की जगह पे क्या, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर, बॉडीली हेयर्स होते हैं, फेशियल हेयर्स होते हैं, तो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ हेयर्स इन एब्सेंस ऑफ स्केल्स, ठीक है। अगला है स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, अब आपका जो स्किन है, स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं और ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, इसका आप कैसे समझ सकते हैं, पसीना आता है बहुत ज़्यादा गर्मी में, ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, स्किन पे, ठीक है। और अगला है ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स आपको फिर मैंने ये पहले भी बताया है कि सुबह उठेंगे तो ऑयल फील होगा आपको अपने फेस वाले एरिया में खासकर, ठीक है, तो दिस इज सेक्रीटेड बाय योर सीरुमिनस ग्लैंड्स और योर ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। अगला, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, आप सांस कहाँ से लेते हैं, लंग्स की मदद से लेते हैं, तो इसलिए रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, लंग्स, हमने सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। अगला, वार्म ब्लडेड, ठीक है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म से मतलब क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्स्टेंट इंटरनल कंडीशंस मेंटेन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब आपको फीवर नहीं है उस चीज़ को छोड़ के, बाहर में कितना भी टेम्परेचर हो, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आप अगर एक थर्मोमीटर लेके आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन अगर आप मेजर करेंगे तो लगभग कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, ये जो फिनोमेना है जिससे कि हम कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। अगला, हमारे अंदर कितना चेम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये सारा कुछ हमने स्ट्रक्चर के साथ पढ़ रखा ऑलरेडी। अब जो है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है मैमल्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द मैमल्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस बाय, दे गिव बर्थ टू यंग वंस मतलब क्या, दे आर विवीपेरस और फ्यू ले एग्स, ये एक्सेप्शन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
कुछ जो है वो एग्स ले करके अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। इसका एक्सेप्शन भी हमने आगे लिख रखा, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मैमरी ग्लैंड्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन टू फीड यंग वंस। अब देखिए, जस्ट बिकॉज वी गिव बर्थ टू यंग वंस एंड वी आर नोन एज मैमल्स, ये जो मैमल्स टर्म आया है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? दे प्रोड्यूस मिल्क। अब देखिए, जैसे ही एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं दे स्टार्ट लैक्टेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग मिल्क। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है मैमरी ग्लैंड्स से, और जो कि मदद करता है, विच हेल्प्स इन फीडिंग द यंग वंस। ठीक है, तो यही मैमरी ग्लैंड से नाम डिराइव हुआ है मैमल्स। ठीक है, सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, मैमल्स नाम कहाँ से आया? इट इज़ डिराइव फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स। रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर सेपरेट। अब देखिए, एक हमने अलग अलग, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, मेल के बॉडी के अंदर मेल पार्ट्स होंगे और फीमेल के बॉडी के अंदर फीमेल पार्ट्स होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं जो कि हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है, बट हम नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं। अगला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का फीमेल बॉडी के अंदर, और वो बच्चे को कैरी करती है एक लंबे समय तक के लिए, और वो जन्म देती है एक बच्चे को। तो इस वाले ऑर्गेनिज्म्स को हम विविपेरस कहते हैं, और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल कहते हैं। मोस्टली विविपेरस, मतलब ज़्यादातर बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो है आपका प्लैटिपस, जो कि अंडे देता है, ओविपेरस होता है। अब देखिए, अगला जो आपका लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज़ योर डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है, मैच्योरिटी अटेन करने के बीच में कोई लार्वल स्टेजेस नहीं आते, आप ये चीज़ खुद रिकग्नाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो देर आर नो लार्वल स्टेजेस इन बिटवीन द बर्थ एंड अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है, ये क्लियर हो चुका है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, तो आई होप आप सारे नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड स्टडी वेल।